प्रधानमंत्री करकमल अनुष्ठित हम ताशार मान्यवर राज्यपाल केन्द्र सरकार मंत्री राज्य सरकार मंत्री स्थानीय विधायक स्थानीय लोकसभा सदस्य समस्त को मु भारत सरकार तरफ स्वागत जनाऊे उत्सव पाई बलांगीर जनसाधारण माननीय प्रधानमंत्री को उत्कंठार सह अपेक्षा कर दीपद शुणापी आज ये पवित्र दिन में प्रधानमंत्री को मुशा तरफ पुनर्बार स्वागत जनाऊँ कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची कोड़े दिन भितरे तृतीय थर करी ओडिशा आगमन करी अनेक कल्याणकारी प्रकल्पर आरंभ करी जो कल्पना प्रधानमंत्री अच्छी देशपाई जे पर्यंत पूर्व भारत भारत अन्य अंचल भाया आग को जाना से पर्यंत नुआ भारत कल्पना करनी नुआ भारत पाई नुआ ओडिशार आवश्यकता अच्छी नुआ ओडिशा पाई नुआ बलांगीर नुआ कलाहांडी नुआ नुआपड़ा नुआ सोनपुर नुआ बरगढ़ आवश्यकता अच्छी ये परंपरा को आउ थरे एटी आरंभ करने प्रधानमंत्री गरिमामय उपस्थिति को मु स्वागत जनईकि मोर वक्तव्य शेष करुच्ची धन्यवाद धन्यवाद सर। ओडिशार समृद्ध इतिहास आमको चिरंतन प्रेरणा दिए से इतिहास सुरक्षा संरक्षण और नवीकरण आम जातीय कर्तव्य बौद्ध जिल्लार नीलमाधव सिद्धेश्वर मंदिर पश्चिम सोमनाथ मंदिर समूह बलांगीर राणीपुर झरियाल प्रसिद्ध ऐतिह समूह और कलाहांडी जिल्लार असुरगढ़ स्थित प्राचीन दुर्गर विकास नवीकरण और संरक्षण कार्य संपर्क में भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्थार एक प्रामाणिक चित्र आसतु देखा। देश को ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। इन विरासतों में से पश्चिम एवं मध्य ओडिशा की प्राचीन कला और संस्कृति पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। आज पश्चिमी और मध्य ओडिशा के गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतीकों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं बौद्ध नगर में स्थित पश्चिम सोमनाथ मंदिर समूह एवं गंधराड़ी के नील माधव और सिद्धेश्वर मंदिर, बोलांगीर में रानीपुर झरियाल स्मारक समूह और कौड़ाहांडी में असुरगढ़ किले के प्राचीन स्थल के विकास कार्य। इन स्थलों के पुनरोद्धार से इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। Now I request Honorable Prime Minister ji to unveil plaques by pressing the remote to mark the inauguration and renovation and restoration works of Nilamadhav and Siddheshwar temples Baudh, Paschim Somnath temples Baudh, Ranipur Jharial group of monuments Balangir and Asurgarh fort of Kalahandi built in 9th and 10th century AD. थैंक यू सर। आम गत 4.5 वर्ष धरी देखिचु एक क्रियाशील उत्साही भारतीय रेलवे को प्रकल्प गतिशील होती और द्रुततर अधिक अर्थ विनियोग पुराना प्रकल्प संपूर्ण होती। थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी फॉर फोकसिंग ऑन ईस्ट एंड स्पेशली इन ओडिशा नाउ ए फिल्म ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ रेलवेज। ओडिशा के समग्र विकास के लिए जरूरी है रेल का विकास। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद पहली बार हुआ है जब ओडिशा में रेल परियोजनाओं का इतनी तेजी से विकास हुआ है और निरंतर हो रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से पश्चिम ओडिशा में खनिज और उद्योगों के विकास होने के साथ यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा होगी। आज के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है झारसुगुड़ा में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, झारसुगुड़ा विजयनगरम और संबलपुर अंगुल रेल लाइन का विद्युतीकरण, बरपाली डुंगरीपाली और बोलांगीर देवगांव रोड रेल लाइन का दोहरीकरण और थेरुवली और सिंगापुर रोड स्टेशन के बीच पुल नंबर 588 तथा साथ में बोलांगीर बिछुपाली नई रेल लाइन और नई ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन। होगा रेल का विकास, बढ़ेंगे उद्योग, बढ़ेगा रोजगार।
और इस क्षेत्र के लोग होंगे खुशहाल। पूर्योदय हो रहा है, नए ओडिशा और नए भारत का उदय हो रहा है। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं टू अनवील प्लाक्स बाय प्रेसिंग द रिमोट टू मार्क इनॉग्रेशन ऑफ बलांगीर बिच्छूपाली न्यू ट्रेन लाइन बलांगीर रेलवे ब्रिज नंबर 588 बिटवीन थिरुवाली सिंगापुर रोड स्टेशन। वी ऑल्सो रिक्वेस्ट अनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी टू डेडिकेट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ झारसुगुड़ा विजयनगरम एंड संबलपुर अनुगुल लाइन्स, डबलिंग ऑफ द लाइन्स ऑफ बरपली डुंगरीपली बलांगीर देवगा रोड एंड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क झारसुगुड़ा टू द नेशन। Thank you, sir. Government of India is committed to delivery of high quality education and accessible education to all in Odisha. 52,894 students are enrolled in 60 Kendriya Vidyalayas in Odisha. Since 2014, 6 new Kendriya Vidyalayas have been inaugurated. 4 Kendriya Vidyalayas are at final stages of construction. Today, Kendriya Vidyalaya Raigada shall be inaugurated and foundation stone shall be laid for another Kendriya Vidyalaya at Sonpur. एबे यही प्रकल्प संबंधी प्रामाणिक चित्र। किसी भी क्षेत्र के भविष्य के लिए आवश्यक है शिक्षा का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोदय की सोच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है ओडिशा जैसे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो। आज के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा रायगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। 8 एकड़ जमीन पर बने इस भवन के निर्माण में 12.35 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिनमें 24 कक्षाएं, 3 प्रयोगशालाएं और 2 कंप्यूटर प्रयोगशालाएं सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस विद्यालय के आरंभ होने के बाद इस क्षेत्र के लगभग 1000 बच्चे प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे। साथ ही सोनपुर में एक नए केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। इस विद्यालय के निर्माण में 15,81,00,000 रुपए की लागत आएगी। 10 एकड़ में विकसित हो रहे इस विद्यालय में भी 24 कक्षाएं, 3 प्रयोगशालाएं और 2 कंप्यूटर प्रयोगशालाएं सहित सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। इन विद्यालयों के कारण इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। Now I request Honorable Prime Minister ji to unveil the plaque to mark inauguration of Kendriya Vidyalaya at Raigada by pressing the remote. Honorable Prime Minister ji is also requested to kindly lay the foundation for construction of new Kendriya Vidyalaya at Sonpur. Thank you, sir. शिक्षा, वृत्ति, रोजगार, पर्यटन पर हमें समस्त विदेश जाऊ किंतु आमको पासपोर्ट पाइबा पई जिबाकू पडुथला राज्य राजधानी भुवनेश्वर को बदली छि से दिन पासपोर्ट सेवा पहुंची छि घर पाखरे। नाउ फिल्म ऑन पासपोर्ट सेवा केंद्र इन ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। भूमंडलीकरण के दौर में पूरे विश्व के बाजार हमारे लिए खुले हैं। आज हम कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं और हमारे नौजवान रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ओडिशा में बड़ी संख्या में लोग दुनिया के कई देशों में जाकर नौकरी कर भी रहे हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए पासपोर्ट सेवा को बहुत ही सुलभ बना दिया गया है। इसी क्रम में आज जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के 6 शहरों के डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इन शहरों में जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी, कंधमाल, बरगढ़ और बलांगीर शामिल है। वर्तमान में ओडिशा के लोगों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भुवनेश्वर जाना पड़ता है, परंतु डाकघरों में पासपोर्ट सेवा आरंभ होने से लोगों को पासपोर्ट बनवाने में बहुत सुविधा होगी। We request Honorable Prime Minister ji to kindly unveil plaque to mark inauguration of 6 new passport seva kendras of Jagatsinghpur, Kendrapada, Puri, Fulbani, Bargad, Amo Priya Balangir by pressing the remote. Honorable Prime Minister has inaugurated the new train line between Balangir to Bichupali just now. किंतु खाली लाइन तैयारी हेले कथा टिके अधूरा रही। धारणा प्रस्तुत, रास्ता प्रस्तुत, यात्रा पई यात्री प्रस्तुत, एबे रेलगाड़ी चलिबा आवश्यक।
So we now request Honorable Prime Minister Ji to flag up the new train to run on the new railway line between Balangir and Bichupali. Aitihasiko Muhurta, Rela Station ne apekha karichi, Rela Gadi, Aji, Prathama Padarpana Kariba, Manyavar Pradhan Mantri, Bartaman Pataka Dekhei, E Rela Gadi, Chala Chalara Subha Udghatan Karibe. Bahu Dinara स्वप्न पूरण होगाक जाऊँ आपण मैंने ये देखिपी प्लाटफर्म रु बलांगीर स्टेसन रृश्य रेलगाड़ी प्रस्तुत होन शुणु नुआ ट्रेन लाइन रे नुआ रेलगाड़ी रेलगाड़ी गढ़ा आरंभ हो आपण मान करताली भितर रेलगाड़ी को जीवाई दिंतु एक शुभ ओंकार मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण के साथ उड़ीसा में लोग सपनों की पतंग उड़ाते हैं इस दिन आज से प्रयागराज में आस्था विश्वास सौहार्द और संस्कृति के कुंभ शुरू हो रहा है और यहां हम लोग इकट्ठा हुए हैं प्रगति और विकास की इस कुंभ मेले में इस कुंभ का कर्णधार उद्योगता और विकास पुरुष है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपण मान करताली भितरे आम प्रधानमंत्री को संभाषण रखा निम्ते अनुरोध रिक्वेस्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी टू एड्रेस ऑल ऑफ अस अमिस योर ह्यूज राउंड ऑफ क्लैप्स एंड अप्लॉज ये ताली जारी रहू माननीय प्रधानमंत्री को भारत माता की भारत माता की ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान जुएल ओराम जी धर्मेंद्र प्रधान जी ओडिशा सरकार में मंत्री स्नेहन गिनी छुरिया जी संसद में मेरे साथी श्री किलिकेश नारायण सिंह देव जी और यहां पधारे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों नववर्ष में एक बार फिर ओडिशा आने का सौभाग्य मिला है मकर संक्रांति के अवसर पर यहां आना और विकास के नए प्रकाश से जुड़ना अपने आप में अहम है त्योहारों के इस पावन अवसर पर आप सभी उड़ीसा वासियों को देश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं साथियों पूर्वी भारत के विकास के लिए उड़ीसा के विकास के लिए केंद्र सरकार का अभियान निरंतर जारी है बीते एक महीने में तीसरी बार मैं आपके बीच आया हूं थोड़ी देर पहले यहां 1,550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है ये परियोजनाएं शिक्षा से जुड़ी हैं कनेक्टिविटी से जुड़ी हैं संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी हुई है और मुझे खुशी है कि आज केंद्रीय विद्यालय सोनेपुर के स्थायी भवन का शिलान्यास हुआ है जब ये काम पूरा हो जाएगा तो सोनेपुर के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं को लाभ होगा ओडिशा में केंद्रीय विद्यालयों में हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं यहां केंद्रीय विद्यालय की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं
2014 के बाद कई नए केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन यहां हो चुका है और कुछ पर काम अंतिम चरण में है। साथियों, शिक्षा मानव संसाधन का विकास करती है। ये संसाधन तब अवसरों में बदलते हैं जब कनेक्टिविटी का भी सहारा हो। इसी भावना के तहत ओडिशा में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। आज रेलवे से जुड़े 6 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण या उद्घाटन किया गया है। इससे ओडिशा के भीतर की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, देश के दूसरे राज्यों तक आवाजाही भी आसान होगी। इससे आप लोगों को आने जाने की सुविधा तो होगी ही, किसान भाइयों को अपनी उपज को बड़ी मंडियों तक या बड़े शहरों तक पहुंचाने में ज्यादा आसानी होगी। आने जाने और माल ढुलाई के लिए सुविधा तैयार होने से यहां उद्योगों के लिए भी एक बेहतर माहौल बनेगा। जब उद्योग यहां आने लगेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के अनेक साधन विकसित होंगे। साथियों, थोड़ी देर पहले बलांगीर से बिछुपली के बीच जो नई रेल लाइन बनी है, इसका उद्घाटन हुआ है। इसके साथ साथ इस पर नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा झारसुगुड़ा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, झारसुगुड़ा बीजी नगराम और संबलपुर अंगुल लाइन के विद्युतीकरण, बाराली डुंगरीपली और बलांगीर देवगांव के चौड़ीकरण और नागावली नदी पर बने पुल के लिए भी आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कनेक्टिविटी जब अच्छी होती है तो करीब करीब हर सेक्टर पर इसका सकारात्मक असर होता है। विशेष तौर पर टूरिज्म के लिए तो सबसे ज्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं। ओडिशा तो वैसे ही हर प्रकार के टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहां जंगल भी है और समंदर का किनारा भी। प्रकृति ने यहां कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं इतिहास और आस्था के तो एक प्रकार से केंद्र में रहा है। साथियों, इसी भावना के तहत बीते 4 वर्षों से केंद्र सरकार धरोहरों और आस्था के स्थलों को विकसित करने में जुटी हुई है। ओडिशा के अनेक मंदिरों, पुराने किलों और दूसरे स्थानों का सुंदरीकरण और उनको संवारने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में नील माधव और सिद्धेश्वर मंदिरों के नवीनीकरण और सुंदरीकरण के काम का आज शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार पश्चिम सोमनाथ मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर और कपिलेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का काम पूरा हो चुका है और आज इसका भी लोकार्पण यहां किया गया है। इसके अलावा यहां का जो एक पारंपरिक व्यापारिक रास्ता रहा है, ओडिशा को मध्य भारत से जोड़ता है, उस रास्ते में अनेक ऐतिहासिक स्मारक है। यहां बलांगीर में ही रानीपुर जरियाल जो स्मारकों का समूह है, उसको भी संवारा जा रहा है। वहां 64 योगिनी मंदिर हो या फिर लेहरागुड़ी सोमेश्वर रानीगुड़ी या फिर इंद्रलट मंदिर, आस्था और हमारे ऐतिहासिक कौशल का दर्शन देने वाले ये तमाम धरोहरें
अपनी दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने वाली है। साथियों, एक और स्मारक के नवीनीकरण की आज शुरुआत हुई है, कालाहंडी का असुरागढ़ किला। यह हमारे शौर्य का प्रतीक तो रहा ही है, साथ में एक अहम राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र भी था। ये महाकंटारा को कलिंग से जोड़ता था। अपने इतिहास के इन स्वर्णिम अध्यायों के साथ पुनः जुड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहां जो मूल सुविधाओं का विकास हुआ है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जो काम किया गया है, उससे यहां के टूरिज्म को गति मिलेगी और रोजगार के अवसरों में कई गुना बढ़ोतरी होगी। साथियों, आज यहां 6 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों की शुरुआत भी हुई है। कलांगीर के अलावा जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी, फुलवानी और बारगढ़ में ये नए केंद्र खुलने से अब यहां के लोगों को पासपोर्ट के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। साथियों, आज आप सभी के ओडिशा वासियों के जीवन को आसान बनाने वाले इन सभी प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर मैं ओडिशा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको नए वर्ष की पुनः बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आए सुबह से और हमारे बीच इतने समय पधारे और इतने प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। आपके तालियों के बीच, गड़गड़ाहट के बीच हम प्रधानमंत्री जी का प्रस्थान का हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तबे सभास्थल आपण माने ताजा चित्र देखुथले किभली भावरे विभिन्न प्रकार प्रकल्पर शिलान्यास एवं लोकार्पण वर्तमान करा जायछि। आमे जदि संक्षेपरे कहिबा ताले शिक्षा हो, गमना हो, शिल्प हो, संस्कृति हो, पर्यटन हो, सबु विभाग को आमे जे देखिबा कोनोसना कोनोसि मते टिके गुरुत्व दिया जायछि। एइथिपय एकथा कहा जायछि, शिल्प कथा आमे जदि आलोचना करिबा ताले 100 कोटी टंका विनियोग रे झारसुगुडा ठारे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करा जायछि एवं एहारो लोकार्पण करा जायछि। आपण माने सुनुथले किसम पूर्वरु प्रधानमंत्री मध्य निजर प्रतिक्रिया रखुथले एवं अन्य विकासमूलक प्रकल्प को भी राष्ट्र उद्देश्य रे समर्पित करा जायछि। एवं आमे जदि एही लॉजिस्टिक पार्क कथा ता देखिबा ताहेले तार चारि पाखरे आपण जन देखुथबे इस्पात, सीमेंट, कागज, कळ आदि बहु शिल्पांचल रहिछि जोटा कि लाभवान होइ परिबो। तबे मोटामोटी भाबरे पण्य परिवहन एवं प्रेरणार सुविधा एटा गोटे जोगै पारे बोली कहा जाय। सेभली गमनागमन कथा आमे जदि आलोचना करिबा ताहेले 15 किलोमीटर लंब बलांगीर बिछुपाली रेल लाइन द्वारा पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशा को संजोग करिबारे सहायक हो पारिबो एवं तार भी गोटे आज जहाँ कहा जा शुभारंभ करागला एवं ट्रेन गड़ला आपण माने निजे देखुथले। तबे एठी आमे आपण को कहि रखुछु प्रथम प्रकल्प काम खोर्धापटु आरंभ होइथिला। बेगुनिया जाए प्रथमे ट्रेन गड़ीथिला एवं परे नयागढ़ जाए वर्तमान किंतु खोर्धापटु ट्रेन चालुछि। प्रथम थर करि बलांगीर पटु एही लाइन रे ट्रेन चलाचल करुछि, माने आज करिबा आरंभ कला। बिछुपाली जाए 15 किलोमीटर रेल लाइन रे ट्रेन गड़ुछि वर्तमान, जहार आज शुभारंभ करिछन्ति मोदी। अपरपक्षरे आम जदि देखिबा ताहले अनेक गुडाय जिनस करा जायछि एवं विशेष भाबरे विद्युतीकरण कथा आम जदि आलोचना करिबा ताहले 1085 कोटी टंकार व्ययरे निर्मित झारसुगुडा, विजयनगरम, संबलपुर, अनुगुल रेल लाइन रो विद्युतीकरण कार्यक्रम मध्य राष्ट्र उद्देश्य रे लोकार्पण करा जायछि आज।
तेज आपत ताजा चित्र देखुले बलांगीर सभास्थल में कौन कौन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष भाव में जेहेतु से प्रथम पर्यायर लोकार्पण और शुभारंभ कर कौन कौन फायदा ओडिशावासी पाइबे विकास पथर आम के आगे जा बार्ता रखिले कि बड़ कथा हूँ पथर चेपारे विशाल समावेश अच्छी मंच प्रस्तुत रही लोकों आगमन सर केवल अपेक्षा रही उद्बोधन को कौन तक आभिमुख्य रोचे कौन से कहते आमर भी नजर आपंक भी नजर आम टिकी निकी अपडेट आपको दबू आम प्रतिनिधि भी सजग अच्छा।